नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्ट्री अड्डा पे स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो और आप वर्दी पाओ। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एसआई स्टेनो का फिजिकल कंप्लीट हो गया, वो नोटिस भेजना भी स्टार्ट कर दिए, बच्चों को छांटना भी स्टार्ट कर दिए, यानी कि उनका रिटर्न लेना तो तय है ही है। रिटर्न की एक डेट भी डिसाइड हुई, 12 मार्च से कहा जाता है, उसके बाद टाइपिंग की भी एक डेट डिसाइड हो गई। तो ये न्यूज़ आपके लिए क्या है? देखिए, न्यूज़ आपके लिए ये है, उससे पहले मैं छोटी सी आपको कहानी बताना चाहता हूँ। जैसे मेरा आईटीबीपी में सिलेक्शन हुआ, तो मेरे एक जान पहचान में, जैसे मुझे जो फिजिकल में मिला था, फिजिकल मिलने में जानते हो आपको दोस्ती हो जाती है, नंबर वंबर एक्सचेंज हो जाता है, तो मेरा भी एक दोस्त था जो बन गया मैं फिजिकल में, और रिटर्न भी हमने साथ ही में दिया लखनऊ में। मगर हुआ क्या, रिटर्न में उसके नंबर मेरे नंबर से ज़्यादा थे, ठीक है, मेरे से ज़्यादा नंबर थे। और फिर हम जब टाइपिंग में गए साथ में, तो टाइपिंग उसकी अलग डेट पे थी, मेरी अलग डेट पे थी। तो टाइपिंग में जब गए, तो टाइपिंग में वो बंदा फेल हो गया, मतलब मेरे से ज़्यादा नंबर, उसके नंबर पता है कितने थे, 95 नंबर थे, और टाइपिंग में वो बंदा फेल हो गया। मेरे 88 नंबर हो गए, मैं टाइपिंग पास हो गया, सिलेक्ट हो गया, और वो बंदा 95 नंबर पा के टाइपिंग में फेल हो गया। तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि टाइपिंग जो आपकी होने वाली है, जैसे आपको पता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सबकी टाइपिंग आपकी एमएस वर्ड पे हो रही है, और अभी तक आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर पे, तो इस वीडियो में आपको टाइपिंग मैटर भी दिखाने वाला हूँ, जो टाइपिंग मैटर कल की डेट पे जो 9 फरवरी को टाइपिंग आई थी, वो मैटर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको डाउनलोड करना है तो लिंक मैंने टेलीग्राम पे का दे दिया है, वहाँ पर आपको मैं ये मैटर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ डाउनलोड कर लेना। तो बात यही है कि जैसे मेरा दोस्त था, जिसके नंबर अच्छे होने के बावजूद, फिजिकल क्वालिफाइड होने के बावजूद, टाइपिंग में अगर वो रह गया, उसके बाद वो पूरा उसकी मेहनत खराब हो गई। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही है कि आपकी जो टाइपिंग इस बार ऑफलाइन होने वाली है, और टाइपिंग मैंने खुद रियलाइज की है कि टाइपिंग बहुत इजी टास्क नहीं होता, हाथ कांपने लगते हैं, इंसान नहीं कर पाता, मुश्किल होता है, और टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं रह गया कि आपके पास, कि आप रिटर्न निकालने के बाद फिर टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। तो अभी से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो एमएस वर्ड पे, मतलब जैसे होता है ना पेपर देख के टाइपिंग करना, पेपर देखो और उसके बाद आप स्क्रीन पे टाइपिंग करना, तो प्लीज़ अभी से आप स्क्रीन पे देख के टाइपिंग करना छोड़ के पेपर में देख के टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आपने नंबर भी अच्छे गेन कर लिए और टाइपिंग में आप रह गए, तो मेरे दोस्त की तरह आप बहुत पछताओगे, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो और आप कहीं किसी स्टेज में फेल हो। तो टाइपिंग को भी कंसीडर करो, टाइपिंग में भी लग जाओ। आपको मैंने मैटर भी प्रोवाइड कर दिया, इस मैटर को देख लो, इसी तरह का मैटर आया, मैंने अभी 2014 का मैटर भी प्रोवाइड कर दिया, और आपको 2023 में हुआ 9 फरवरी को, उसका मैटर भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, आपको स्क्रीन पे दिखा होगा भी, और उसको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे। तो साथ ही साथ आपको टाइपिंग भी करते रहना है, क्योंकि मैंने देखा कि टाइपिंग में काफ़ी बच्चे फेल हो रहे थे, डिपार्टमेंट वाले उनकी भी स्पीड, मतलब कि वो डिपार्टमेंट के हैं, भले उनके पास टाइम कम रहता है, तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस नहीं कर पाते, मगर कहीं ना कहीं उनका टेस्ट भी तो टेस्ट ही होता है ना भाई, उनके भी तो हाथ ही हैं, वो भी तो प्रैक्टिस करते हैं, मगर जब वो फेल हो रहे हैं, उनके हाथ नहीं चल रहे हैं, और इवन मेरे भी हाथ नहीं चले थे। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं टाइपिंग था, मेरे हाथ भी नहीं चल रहे थे, बल्कि घर पे मेरी स्पीड 45 की थी, और मैं इतना नर्वस हो गया था, और मेरे दोस्त के साथ वो तो फेल ही हो गया बेचारा। दुख होता है कि जब साथ का ही बंदा हो और इतना अच्छा नंबर हो, मेरे से 7-8 नंबर ज़्यादा, 95 नंबर हो, और उसके बाद वो बंदा फेल हो जाए, सोचो क्या बीतती है उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले से तैयार रहो, प्रैक्टिस करते रहो ऑफलाइन, जब क्यों होता है पेपर देख के प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपको किसी चीज़ की भी समस्या ना हो, और आप ओवरऑल चीज़ों को क्वालिफाई करते हुए सीधा और आपके बदन पे एक वर्दी आ जाए, ठीक है। आप पीछे देख रहे होंगे बोर्ड पे, सुबह क्लास चली थी, अभी शाम को क्लास चलेगी इंग्लिश की, सुबह रीजनिंग और मैथ पढ़ाता हूँ, शाम को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, मगर जितने हैं सही हैं, एक बच्चा भी होगा फिर भी टीचर तो टीचर ही होता है, तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों को, आपको गाइड भी कर रहा हूँ। तो आपसे मैं उम्मीद ये भी यही करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगे, ताकि आप तैयारी करो और आप भी लाइफ में सक्सेसफुल हो। अभी आज ही की बात बताऊँ तो आज मेरे पास फिर से ज्वाइनिंग लेटर आया, जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं रेलवे को ज्वाइन नहीं करूँगा तो मेरे पास फिर से ज्वाइन लेटर आएगा, तो फिर से मेरे पास उन्होंने एक रिमाइंडर भेजा है। तो जैसे कि आपके साथ भी हो, मान लीजिए आप किसी सर्विस में गए और आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आया और आप उस समय उस ज्वाइन लेटर को नहीं प्राप्त कर पाए, तो आपको एक बार और भेजेंगे, मतलब 3 बार ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे आपके पास, कि 3 बार रिमाइंडर भेजेंगे कि आ जाओ भाई, आ जाओ ज्वाइन कर लो। तो आज फिर मेरे पास लोको पायलट का फिर से ज्वाइन लेटर आया, फिर भी मैं उसको ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सपने कुछ अलग हो गए हैं। बहुत बोल रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर रहे हो, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, तो सपने अलग होंगे। तो जिस तरह से मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ लाइफ में, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह से सक्सेसफुल हो, और अपनी लाइफ में सारी जो चीज़ करना चाहते हो ना, जो अचीव करना चाहते हो, उसको बिल्कुल अचीव कर लो।
तो इन्हीं सब बातों के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।